केसर दे विचाले केंद्र वालों किसानों नूं फेर गलबात का सद्दा दिता गया। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान सामने आया, असीं हमेशा गलबात दे लई तैयार हां, सानूं किसानों के हितों की चिंता है, हर मुमकिन हल कढ़न दे लई गलबात लई तैयार हां। यह सूबा सरकारां दे नाल जुड़िया होया विशा भी है, एक रास्ता तो अपनाना पवेगा, अर्जुन मुंडा ने कहा। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री अर्जुन मुंडा का वड्डा बयान, किसानों के नाल गलबात दे लई केंद्र सरकार अजे भी तैयार है, यानी सीधे तौर पर गेंद एक बार फिर किसानों के पाले में है। जेकर चाले पाए जाते हैं दिल्ली वल तुरिया जाता है, दिल्ली वल जिहड़ा है किसान चाले पाते हैं, तो सीधी सीधी गेंद किसानों के पाले में है। केंद्र ने तो हजे भी कह दिता है कि असी गलबात के लिए तैयार हाँ, केंद्र अपनी यह कह लिया जाए कि जोड़ा फर्ज है वह निभाता हुआ केंद्र नजर आ रहा है। इतने केंद्र कह रहे कि असी गलबात करने तैयार हाँ, किसान आगू जो हजे भी कूच करते हैं, जे कूच होर अगे वधदा और या किसी भी तरीके की टकराव वाली स्थिति बनती है तो फिर जिम्मेवार कौन होगा, सवाल यह भी उठ रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार कह रही है असी गलबात लई तैयार हाँ, हर मुमकिन हल कढ़न लई गलबात लई तैयार हाँ, और यह सूबे दे नाल जुड़िया विशा भी है, एक रस्ता तो अपनाना पवेगा, अर्जुन मुंडा कह रहे हैं। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री अर्जुन मुंडा का वड्डा बयान, ये वड्डा बयान इस वेले जदों किसानों ने चाले भी पा दिते ने उस वेले यह बयान सामने आना अपने आप में काफ़ी अहम है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री का यह बयान है, और तुहानू दस दईए कि बीते दिन भी जिहड़ी मीटिंग हुई उस दे विच अर्जुन मुंडा खुद मौजूद सीगे, पर इस सब दे विचाले हजे जदों सहमति नहीं बनी, देर रात तक यह मीटिंग चली और तकरीबन 10:30-11 बजे तो बाद भी जदों सहमति नहीं बनी तो किसान आगुआ ने बार आके ऐलान किया कि असी चाले पावांगे, साडी गल नहीं सुनी जा रही, सानू जिहड़ा हैगा कुछ भी अजिहा कंक्रीट नहीं दिता जा रहा जिसकी असी आस कर रहे थे। हालांकि किसान आगू यह कहते भी नजर आए कि कई सारे मसलों से सहमति बनती हुई नजर भी आई सी। किसानों के उत्ते दर्ज मामलों की गल करिए तो केंद्र सरकार कह रही थी कि असी वापस लै लेने, ज्यादातर मामले वापस लैने ने, कुछ 500-600 मामले ने जिहड़े वापस लाए जाने ने, पर इस सब दे विचाले ये अहम बयान है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का। जितनी मांगे संबंधित भारत सरकार से जो विषय हो सकता है वो हम कर रहे हैं और उनको बता भी दिया है, लेकिन कुछ चीजों में हमें कंसल्टेशंस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राज्यों के साथ मिलकर के हमें इस बात पर आगे चर्चा करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका रास्ता क्या क्या होगा, और उसके लिए यदि हम कोई एक फोरम ऐसा बनाए जिसमें हम लगातार चर्चा करते रहे और इसका समाधान निकाले। ये बात किसानों को समझने की जरूरत है कि किसी किसानों के हितों की रक्षा हो, भारत सरकार प्रतिबद्ध है, और उसके साथ साथ जन सामान्य को कोई कठिनाई ना हो। दोनों ही बातों को जो संगठन है किसान संगठन उनको समझना पड़ेगा। अभी हम ये इतना ही कहेंगे कि हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, हमेशा डिस्कशन करने के लिए तैयार है, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए जो भी हो सकता है वो सारा कार्य करने के लिए हम तैयार है, बशर्ते कि उसके लिए जो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर पूरे देश के किसानों के लिए भारत सरकार प्रोत्साहित करती है, कार्य करती है, आगे बढ़ाती है, ये बात सही है, लेकिन विषय राज्य सरकारों का भी है जहां हमें कंसल्टेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो स्वाभाविक रूप से एक रास्ता तो अपनाना पड़ेगा, एक मेथड तो अपनाना पड़ेगा, जो भी विषय होती है उन सारे विषयों के लिए किस तरीके से कैसे क्या, ये विषय को समझने का तो समय चाहिए, और मैं ये कह रहा हूं कि आप उस पर बातचीत करिए, हम उसके लिए तैयार है। कल भी उसके पहले भी दो बार हमारी बैठक हो चुकी है और हमने पूरे सकारात्मक तरीके से चीजों को लिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एक कहते हुए नजर आए कि असी गलबात करने लिए तैयार हाँ, असी पहला भी गलबात की है, सकारात्मक जिहड़ी हैगी है वह गलबात रही है, और सकारात्मक गलबात हां पक्की गलबात दे लई असी लगातार तैयार हैं। सीधा रुक करते हैं इस वेले शंभू बॉर्डर का, मेरे सहयोगी गौरव मेरे नाल मौजूद ने। गौरव जेकर मेरी आवाज आ पा रही है, ओवर टू यू, इस वेले की तस्वीर की कुछ नजर आ रहा है शंभू बॉर्डर?
जी बिल्कुल गगन, तस्वीरां तो असं लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर इस समय की स्थिति मैं शंभू बॉर्डर के उत्ते तुहानूं दस रहे हैं कि शंभू बॉर्डर के उत्ते तादाद लगातार किसानों की बढ़ रही है और जिहड़ा काफिला फतेहगढ़ साहब तो निकलिया सी काफिला इत्थे पहुंचिया है क्योंकि काफिला बहुत लंबा है तो इस करके तुसीं कह सकदे हो कि ट्रालियां की कतार ही हुण नजर आ रही है क्योंकि असीं जिन्ना दूर तक देख पा रहे हैं साडी नजर जा रही है ट्रैक्टर ट्रालियां सानूं खड़ियां होईयां नजर आ रही हैं। पिछे ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ियां ने तो उस तो बाद अगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी तादाद दे विच पैदल किसान आ रहे हैं, कुछ ट्रैक्टर सानू नजर आए हैं बिल्कुल बैरियर के नेड़े। गगन कोई ट्रैक्टर ट्राली फिलहाल सानू नजर नहीं आ रहा क्योंकि पिछे थोड़े रोक ले गए हैं, किसानों ने खुद ही रोके हुए हैं तो उस तो बाद एक एक करके अगे आ रहे हैं। इनफैक्ट एक जी पायलट गड्डी है वह इतने जरूर बार बार सानू तस्वीरों के नजर आई है जिसके वालों लगातार मंग अपील की जा रही है किसानों की तुम थोड़ा जा ठरमा रखो, तुम डिसीजन खुद ना लेना, थोड़ा जा इंतजार करो। अजय तस्वीर दिखा सकी यार, तस्वीर थोड़ी दोवें पासे असी दिखा सकी तो जिहड़े किसान बहुत वड्डी गिणती दे विच इत्थे पहुंचे हुए ने, जिवें कोई ट्रैक्टर वाले पहुंचते हैं तो एक वखरा तस्वीर असं तुहानूं पहुंचा रहे हैं। एक ट्रैक्टर तो मौजूद सी इत्थे, बाकी ट्रैक्टर पिछे रुके हुए कर रहे हैं। खैर हुण स्थिति पैनिक किसी भी समय हो सकती है। गगन तस्वीरों के उत्ते असीं नजर जरूर बनाई हुई है ताकि अपने दर्शकों नाल करदे रहिए। बहुत वड्डी तादाद इत्थे लग रहा है, बहुत बड़ी गिनती के हजारों की तादाद के इत्थे